नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप फ़ोन की राइटिंग, हैंड राइटिंग कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि उसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जाना है आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में, ठीक है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप अगर आप ठीक से देखोगे वीडियो तो आपको तभी समझ में आएगा, फिर वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको सेटिंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले आपको जाना है ब्राइटनेस एंड डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एमआई का फ़ोन है तो उसमें अलग सिस्टम होगा, यानी कि उसमें कोई एडिशनल सेटिंग में होगा शायद वो ऑप्शन। तो मेरा ओप्पो का फ़ोन है तो मैं ओप्पो के फ़ोन के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, ठीक है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको जाना है, उसमें आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, एमआई के फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला ऑप्शन है फ़ॉन्ट, लिखा है FONT फ़ॉन्ट। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख रहा है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। तो मेरा अभी जो फ़ोन का है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि नॉर्मल ही है। तो मैं अभी से चेंज करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़ॉन्ट्स मेरे फ़ोन में कहाँ से आए वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसका देखो टेक्स कितना बड़ा है, मैं इसे सबसे पहले छोटा कर लेता हूँ। या सबसे नीचे आएंगे टेक्स्ट साइज, तो मैं बिल्कुल सबसे पहले वाले पर कर लूँगा। ये देखिए कितना छोटा हो गया और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत छोटा फ़ॉन्ट। और आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग से इसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, इसके जो फ़ॉन्ट हैं वो कितने तरह के हैं ये देखिए। फ़ॉन्ट है इसके फ्रेंड्स 50 फ़ॉन्ट हैं, और जो कि अलग अलग एरिया में दिए गए हैं। तो सबसे पहला वाला ही चेक करके देखते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से इसका लोगो दिखाएगा कि किस तरह से आप इसे, मतलब कौन सा आपको पसंद है, नंबर किस तरीके से आएंगे और राइटिंग किस तरीके से आएगी, ठीक है। ये तो है पहला, और ये है 10, यानी कि 10वां वाला बिल्कुल ऐसा है। तो इसे अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए 12वां। तो फ्रेंड्स, 12वां मैं फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, 12वां मैंने अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सारा ये चेंज हो गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए। अब मैं आपको बिल्कुल बैक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे कितना बारीकी से ये चेंज हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सारा कुछ यहाँ पे चेंज हो गया है। ये देखिए मेरे फ़ोन मोबाइल नंबर भी चेंज हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये इंग्लिश में ही चेंज हो गया है, जो कि हिंदी में यहाँ पे नहीं हुआ है, हिंदी में नहीं होगा शायद ये। तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ व्हाट्सएप में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप का जो टेक्स्ट मैसेज है केवल वही आपको चेंज दिखाया, वरना नाम तो आपको वैसे ही, वैसे के वैसे ही दिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना भी इंग्लिश का टेक्स्ट मैसेज है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखिए, मैं यहाँ पर टाइप भी कुछ करूँगा तो शायद, हाँ ये देखिए मेरा कीबोर्ड भी, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, ठीक है फ्रेंड। ये इस तरीके से ये फ़ोन चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो, अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो एंड करते हैं।